नमस्कार दोस्तों, ब्लड अटैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल भूतिया से दिल दहला देने वाले वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो सचमुच में बहुत ही ज्यादा खौफनाक होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ये 7 दोस्तों के साथ घटी हुई बिल्कुल सच्ची भूतिया कहानी है ये। तो बिना बिल्कुल देर किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते स्टार्टिंग से कि आखिर ये 7 लोग कौन है, कहाँ रहते हैं, कहाँ पे ये घटना घटी थी। बेसिकली ये जो स्टोरी है ये अंकुर नाम के लड़के ने इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा है। ये जो घटना घटी थी 2017 में घटी थी गुजरात के राजकोट में। जी हाँ, गुजरात के राजकोट को लोग मिनी मुंबई भी मानते हैं और बोलते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन बहुत सारे खूबसूरत जगहों पे कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं या कुछ ना कुछ ऐसी जगह भी होते हैं जो भूतिया तरह से श्रापित होते हैं या तो भूतिया तरह से फेमस होते हैं। ठीक ऐसा ही राजकोट में एक पैलेस है जो बहुत ही ज्यादा भूतिया है, जिसके बारे में जिसके नाम के बारे में मैं बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं बताने वाली। आप लोग नेट पे सर्च करके उसका नाम इजिली जान सकते हो, आप खुद सर्च करके देखना, क्योंकि मैं किसी भी चीज को ऐसे बढ़ावा नहीं दे सकती या किसी भी चीज को किसी का नाम लेके उसको बदनाम नहीं कर सकती। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये 7 दोस्त है कौन, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। एक्चुअली ये 7 दोस्त है, सबसे पहले मैं इनका नाम बता देती हूँ। एक अंकुर है, अंकुर का दोस्त एक सिद्धांत है, एक राहुल है और एक शिवम है। ये 4 लड़के हैं और 3 लड़कियां, प्रिया, श्रुति और काव्या। ये 7 लोग हैं, इनकी दोस्ती बहुत ही ज्यादा फेमस थी इनके कॉलेज टाइम से ही। इनका कॉलेज एक्चुअली वहीं पे राजकोट में ही है जो बहुत ही एक फेमस कॉलेज जहाँ पे ये लोग पढ़ाई करते हैं। और फिर से मैं बोल रही हूँ, उस कॉलेज का नाम भी नहीं बताने वाली, क्योंकि राजकोट का बहुत ज्यादा फेमस कॉलेज है वो। तो ये 7 लोग वहाँ पे स्टडी करते थे और इनकी इतनी खास दोस्ती थी कि इनका खाना पीना, उठना, घर जाना सब कुछ बिल्कुल साथ में हुआ करता था। जब भी इनका लंच टाइम होता था, इनका जो कॉलेज था सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक रहता था, जब भी इनका लंच टाइम होता था साथ में ये लोग खाते पीते थे। उसका कोई प्रोजेक्ट करना है तो 7 दोस्त एकदम जिगरी यार थे ये लोग। 7 दोस्त साथ में प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, कहीं जाना है घूमना तो साथ में ही जाएंगे। मतलब इनके लाइफ में जो कुछ भी था सब कुछ साथ में था, इतने अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे ये लोग। एक दिन क्या करते हैं ये लोग, डिसाइड करते हैं, जैसा कि कम उम्र के कॉलेज वाले स्कूल वाले बच्चे लोगों को रहता है कि हमको कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करना है, कुछ ना कुछ नया देखना है। तो इनके साथ भी सेम ऐसा ही था। ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग उस पैलेस में जाएंगे देखने के लिए कि लोग बोलते हैं कि वो पैलेस बहुत ही ज्यादा भूतिया है, वहां पे दिन में भी कोई नहीं जा सकता, रात तो बहुत दूर की बात है, रात में तो वहां पे कोई जा ही नहीं सकता, दिन में भी अगर कोई उस पैलेस में गया तो उसकी दिमागी संतुलन खो जाती है, या तो वो पागल हो जाता है या तो वो जिंदा वापस आता ही नहीं है। तो ये लोग सोचते हैं, ये काम करते हैं, क्या सब लोग सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं, ये अपन चलते हैं पता लगाएंगे और वहां का वीडियो बना के लाएंगे और सबको दिखाएंगे कि देखो हम गए थे उस पैलेस में और हम लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। ये लोग ऐसा सोचते हैं और सब दोस्त लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग उस पैलेस में रात में जाएंगे। लेकिन जो इनके और दोस्त थे, जो लड़के लोग थे, वो बोलते हैं कि देख यार अंकुर, अपन रात में नहीं जा सकते क्योंकि अपने साथ 3 लड़कियां भी हैं। अगर ये 3 लड़कियां हैं, इनको हम साथ में रात में लेके जाते हैं तो कुछ भी रिस्की हो सकता है, शैतान तो नहीं आएगा लेकिन शैतान रूपी कोई इंसान भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज के टाइम में आप कहीं पर भी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, कहीं पर भी आप इतने सेफली नहीं जा सकते। और ये तो कॉलेज के पढ़ने वाले छोटे बच्चे, इतने भी बड़े नहीं है, कॉलेज में पढ़ने वाले छोटे ही रहते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि हम तो रात में नहीं जाएंगे, फिर रात का इनका जाने का कैंसिल हो जाता है। लेकिन फिर अंकुर बोलता है कि भाई ये काम करते हैं, अपन लोग सैटरडे को मिलते हैं कैंटीन में और वहीं पे बैठ के डिसाइड करेंगे कि हमको कब जाना है, क्या करना है और कैसे एक्सप्लोर करना है। सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है भाई, ठीक है, बहुत मजा आएगा। सबके एक्साइटमेंट का जो लेवल था ना, यहाँ था, बहुत एक्साइटेड थे ये लोग। सोच रहे थे हम तो एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद सबको दिखाएंगे हम कि देखो भाई यहाँ पे कोई भूतिया चीजें नहीं होती है, कुछ भूतिया यहाँ पे हो ही नहीं सकता, हम एक्सप्लोर करके आए। इनके माइंड में सिर्फ यही चल रहा था। ये लोग ठीक ऐसा ही करते हैं। सैटरडे का दिन आता है, ये सब दोस्त, 7 दोस्त कैंटीन में मिलते हैं और कुछ खाते पीते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम लोग इसी संडे को उस पैलेस में जाएंगे घूमने के लिए।
दोपहर के दो ढाई बजे या एक बजे निकलेंगे और वहां पे पहुंच जाएंगे और एक दो घंटे में एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर करके अपने घर वापस चले जाएंगे अपने अपने घर। तो लड़कियां बोलती है हाँ भाई ठीक है, ये सही बोला तुम लोगों ने कि हम लोग भी दिन में सेफली जा सकते हैं। ऐसे लड़कियां बोलती है हम रात में घर वाले से परमिशन भी नहीं ले सकते ऐसी कोई भूतिया जगह पे जाने के लिए, और घर वाले जाने भी नहीं देंगे, तो दिन का सही है अपन चलते हैं संडे को, मस्त अपना घूमना भी हो जाएगा, इंजॉयमेंट भी हो जाएगा और साथ में वीडियो बना के लोगों को दिखाएंगे वो भी हो जाएगा। लड़कियां भी बहुत खुश, ये लोग भी बहुत खुश, कैंटीन में खाते पीते हैं, इनका कॉलेज जो भी रहता है कॉलेज खत्म होता है उसके बाद ये लोग अपने अपने घर जाते हैं, अपने अपने घर जाते हैं। उसके बाद ये सब बहुत एक्साइटेड थे, जो अंकुर था वो तो नेक्स्ट लेवल पे एक्साइटेड था, वो सोच रहा था कि वाओ मैं कितने टाइम से बचपन से चाह रहा था कि उस पैलेस में जाऊं एक बार एक्सप्लोर करूं, लेकिन अब वो मौका मिला है कि मैं उस पैलेस में अपने बेस्ट फ्रेंड लोगों के साथ जाऊंगा और मस्त एक्सप्लोर करूंगा। तो अंकुर भी सो जाता है, सब लोग सो जाते हैं, उसके बाद एक दूसरे को सुबह सुबह संडे के दिन उठते हैं, कॉल करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर जगह है यहाँ पे सब लोग मिलो, और उसके बाद अपन बाइक लेते हैं, चार बाइक लाते हैं और दो दो करके बैठ जाएंगे बाइक पे और फिर वहां पे निकल जाएंगे। ठीक ये लोग ऐसा ही करते हैं, एक कोई लोकेशन पर्टिकुलर लोकेशन था वहां पे सब लोग मिलते हैं, चार बाइक थी, चारों बाइक पे दो दो करके बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं उस भूतिया पैलेस में जाने के लिए। लेकिन आप लोग बताओ क्या वो लोग सही कर रहे थे उस पैलेस में जाके, वो आप लोग को आगे पता चलेगा। ये लोग निकल तो जाते हैं लेकिन इनके मन में एक डर था, इनको ऐसा लग रहा था कि यार अपनी जिंदगी में कुछ बुरा ना हो जाए, अपने साथ कुछ खराब गलत ना हो जाए, अपन जा तो रहे हैं, हैकड़ी हाक रहे थे अपन, इतना सब कुछ कर रहे थे, सब लोग अंदर से डरे हुए थे लेकिन एक दूसरे को बता नहीं रहे थे, क्योंकि एक दूसरे को बताएंगे तो बदनामी होगी ना, अरे ये तो डर रहा है यार, ये कितना डरपोक है, ऐसा वाला होगा, इसीलिए वो लोग एक दूसरे को बता नहीं रहे थे। ये लोग जाते हैं बाइक चलाते हैं मस्त और उस पैलेस के पास पहुंच जाते हैं। जब ये लोग उस पैलेस के पास पहुंचते ही हैं, जब पहुंचते ही है वहां पे बाइक खड़ी करते हैं, इनको एक नेगेटिविटी फील होने लगती है, इनको ऐसा लगने लगता है कि नहीं भाई पक्का ये जगह मनहूस है, क्योंकि देखो इसको ऊपर से नीचे तक देखो, इस पैलेस को कितनी ज्यादा मनहूस दिखाई दे रही है, और वहां पे ना गर्मी के टाइम में एक अजीब सा ठंडक महसूस हो रहा था, और आप लोगों को पता है कि जो ठंडक महसूस होता है वो जगह कैसी होती है, कोई भी जगह जब गर्मी के टाइम में गए हो और कोई जगह बिना मतलब के ऐसे ही ठंडा ठंडा है, आप लोगों को ठंडक फील हो रहा है, मतलब वहां पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है। इन लोगों को भी इस बात के बारे में पहले से पता था, लेकिन ये लोग सोचते हैं आ तो गए हैं, जाए या नहीं जाए, ये लोग आपस में बात करते हैं, वाओ यार ये पैलेस जब अपने जमाने में खड़ा होगा, जब रहा होगा तब कितना सुंदर और कितना आलिशान रहा होगा, वो पैलेस एक्चुअली बहुत बड़ा है, आप लोग सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा इतना इतना बड़ा और इतना सुंदर है। ये थोड़ा सा बारिश वारिश होने की वजह से दीवार पे थोड़ा सा काई वाई लग गया है और थोड़ा गंदा हो गया, बाकी बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये लोग कैसे बोलते हैं भूतिया, अपन को भी नेगेटिविटी इसलिए लग रही होगी क्योंकि अपने बहुत सुने हैं कि भूतिया है, अपन चलते हैं चल के एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन ये लोग एक चीज डिसाइड करते हैं, लोग डिसाइड करते हैं कि हम सब लोग सातों लोग एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ेंगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही अंदर उस पैलेस में एंटर करेंगे, अकेले किसी को नहीं होना है, कुछ भी हो जाए कोई भी अकेले इधर उधर नहीं घूमेगा, अपन सातों साथ में ऐसे ही घुसेंगे हाथ पकड़ के और ऐसे ही हाथ पकड़ के वापस निकल आएंगे, कुछ भी आवाज आती है कुछ भी एक्टिविटी होती है ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है, मुड़के नहीं देखना है, टोकना नहीं है। ये लोग ये बात डिसाइड करते हैं, डर लग रहा था, ये लोग सोच रहे थे कि जाए नहीं जाए, लेकिन फाइनली डिसाइड करते हैं उस पैलेस के अंदर एंटर कर लेते हैं। जब उस पैलेस के अंदर एंटर करते हैं ना, वो एक अजीब सा धुंध टाइप दिख रहा था अंदर, मतलब बोलते ना धुंधला टाइप, अंदर कैसे इतनी धूप है बाहर, दोपहर के ढाई बज रहे हैं और अंदर धुंधलापन दिख रहा है, ठंडा सा महसूस हो रहा है, अंदर अंधेरा दिख रहा है उनको, इतनी धूप में कोई रूम कोई पैलेस कैसे अंधेरा हो सकता है। ये लोग डरना स्टार्ट हो जाते हैं कि ये क्या है भाई, इतनी धूप है बाहर, अपनी बॉडी जल रही थी बाहर, उधर अपन बाइक से आ रहे थे तो यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों दिख रहा है। अब इनकी सिट्टी पिट्टी थोड़ी थोड़ी गुल हो रही थी, ये लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े पकड़े अंदर घुस रहे थे
अंदर घुसते जाते हैं। इनको जो इनका दिल था वो भारी होता जाता है। इनको ऐसा लग ही रहा था अभी कुछ गड़बड़ होगा। इनको ऐसी फीलिंग आ रही थी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ नेगेटिविटी ही फील हो रही थी। ये लोग घुसते घुसते जो पैलेस था उसके बैक साइड में चले जाते हैं। उसके बैक साइड में एक स्विमिंग पूल था। उस स्विमिंग पूल में देखते हैं कि पूरा एकदम कचरा पड़ा हुआ है, पूरा पैलेस एकदम कचरा पड़ा हुआ है। पत्तियां झड़ी पड़ी है, जो सूखी पत्तियां होती है ना पेड़ की, वो इतनी गंदगी सब कुछ। सोचते हैं यार इतना सुंदर था, इसको क्यों बंद कर दिए और इतना गंदा हो गया। ये लोग स्विमिंग पूल देख ही रहे थे, भी कुछ सोच ही रहे थे, तभी जो इनकी दोस्त प्रिया थी ना, उसके कान में किसी की आवाज आती है, किसी लड़की की आवाज आती है कुछ बोलने की, जैसे कोई ऐसा कर खुशफुसा रहा है, ऐसी आवाज आती है उस प्रिया के कान में, उस लड़की के। वो डर जाती है, चौंक जाती है। सब लोग पूछते क्या हुआ, ऐसा क्यों रिएक्ट करी। वो लोग भी डर जाते हैं। वो बोलती है यार मुझे लगा मेरे कान में किसी लड़की ने कुछ बोला। तो अनुकुर और बाकी लोग बोलते हैं डरा मत यार, क्या बात कर रही है, तेरा वहम होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है, हमको तो कुछ आवाज नहीं आई। वो लोग ऐसी ऐसी बात करते हैं। तो प्रिया बोलती है नहीं यार मुझे कुछ तो महसूस हुआ, मेरे कान में किसी ने कुछ तो बोला है। ये लोग अभी ये डिस्कशन कर ही रहे थे, तभी अचानक से ये लोग जहां खड़ी थी ना, जो स्विमिंग पूल के पास, वहीं पे सामने एक रूम था, उस रूम में किसी को ऐसे जुप से भागते हुए देखते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि इतने जोर से कौन भागा। कोई इंसान अगर भागेगा तो उसके कदमों की आवाज रहेगी, लेकिन वो जाने का जो इसका स्टाइल था, वो जुप ऐसे था। आखिर था कौन? ये सब चौंक जाते हैं, बिल्कुल डर जाते हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। इनकी धड़कन बढ़ जाती है, ऐसा लगता है कि इनका दिल बैठा जा रहा है, ऐसा उनको महसूस होने लगता है। वो लोग सोचते हैं कौन था, चल के देखे क्या, कौन भागा। अभी आवाज भी लगाते हैं, कौन है वहां, बाहर निकलो, हमको डराने की कोशिश मत करो। लेकिन किसी की आवाज नहीं आती है। ये लोग सोचते हैं कि हमको उस रूम में एंटर करके देखना चाहिए, साथों साथ में जाएंगे और साथ में जाके उस रूम में देखते हैं आखिर भाग के गया तो गया कौन। ये लोग स्विमिंग पूल के पास से निकलते हैं, उस रूम में एंटर करते हैं। जब उस रूम में एंटर करते तो क्या पाते हैं, चारों तरफ देखते हैं, वहां पे कोई भी नहीं था। लेकिन इन लोगों ने देखा था कि कोई तो जुब से भाग के गया उस रूम में। अभी ये लोग सोच ही रहे थे, देख ही रहे, तभी उनको अचानक से बाहर जो स्विमिंग पूल था वहां पे कुछ गिरने की बहुत जोर से आवाज आती है। कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या गिरा, और जो आवाज थी बहुत ज्यादा भारी आवाज थी, जैसा कि स्विमिंग पूल में कोई भारी भरकम इंसान गिरा हो या कूदा हो, वैसी आवाज थी। इनको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। दिन के टाइम में कोई एक्टिविटी होगी भी तो भूतिया दिन के टाइम में कैसे हो सकती है, किसी को समझ में नहीं आता है। भागते हुए स्विमिंग पूल के पास आते हैं, स्विमिंग पूल के पास आते हैं और देखते हैं पूरे स्विमिंग पूल में सातों देखते हैं, वहां पे कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता है। लेकिन इनको वो आवाज आई थी कि कुछ तो था, कोई तो था जो भारी सामान या भारी इंसान जो स्विमिंग पूल में गिरा है, और हम तुरंत भाग के आया, तुरंत हमको क्यों नहीं दिखाई दिया। अब हो गया इनका, ये इतने ज्यादा डरने स्टार्ट हो गए थे कि पूरा पसीना पसीना हो गए, इनकी सिट्टी पिट्टी गोल हो गई। अब ये लोग सोचे कि भाई इतना एक्सपीरियंस कर लिए काफी था, इससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे, इससे ज्यादा एक्सपीरियंस करने गए तो शायद बचेंगे भी नहीं, घर जाने लायक भी नहीं बचने वाले। एक काम करते हैं, अपन निकल जाते हैं, घर चले जाते हैं, अपन जाते हैं घर, अब कुछ एक्सपीरियंस नहीं करना है अपन को। ये लोग डिसाइड करते हैं जाने के लिए, तभी ये लोग क्या नोटिस करते हैं, जो इनके दोस्त श्रुति थी, इनकी तीन लड़कियां दोस्त थी ना, काव्या, श्रुति, प्रिया, जो श्रुति थी वो तो इनके साथ है ही नहीं। इनको समझ में नहीं आता कि श्रुति हमारे साथ थी तो आखिर गई तो गई कहां। वो लोग आवाज लगाते हैं, श्रुति श्रुति कहां हो तुम, किधर हो तुम, मजाक मत करो, अगर छुपी हो तो बाहर निकल जाओ। लेकिन श्रुति की उनको कोई आवाज नहीं आती है। वो लोग बिल्कुल डर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि अभी उस रूम से बाहर निकली श्रुति हमारे साथ, अभी कहाँ चली गई। हम लोग स्विमिंग पूल में देख रहे हैं कौन गिरा है क्या हुआ, तब तक वो कहाँ चली गई। सब लोग सोचते हैं कि नहीं अभी हमको सब काम छोड़ना है,
हमको नहीं डरना है, कुछ भी हो जाए हमको श्रुति को ढूंढना है, उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, कोई लेके तो नहीं चलेगा, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग सोचते हैं कि श्रुति को ढूंढते हैं, सब लोग बोलते हैं कि हम साथ में चलेंगे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब कोई भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेगा, हम साथ में चलेंगे, हर एक रूम में चेक करेंगे, हर एक जगह आगे पीछे जो भी पैलेस का सब जगह चेक करेंगे, हमको श्रुति को कैसे भी जल्दी ढूंढना पड़ेगा और हमको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। सब लोग श्रुति को ढूंढना स्टार्ट करते हैं, नीचे ढूंढते हैं, बाहर साइड ढूंढते हैं, इधर पैलेस के पीछे साइड जिधर स्विमिंग पूल था, नीचे के रूम साइड ढूंढते हैं, रूम में कहीं उनको दिखाई नहीं देती है। उसके बाद एक जो ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर था, उस फ्लोर पे सीढ़ियों से चढ़ के जाते हैं साथों साथ में, और जाते हैं ऊपर, देखते देखते सोचते हैं कि श्रुति को अपन फोन लगाते हैं, कहीं होगी तो फोन तो एटलीस्ट बजेगा उसका। उसको फोन लगाते हैं, उसका फोन बजता है फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम में। वो लोग सोचते हैं कि शायद श्रुति मिल गई, उसका फोन बज रहा है रूम में, अपन जाते हैं। ये लोग एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं और भागते हुए उस रूम में जाते हैं, श्रुति को जहाँ पे फोन बज रहा था वहां पे। वहां पे जब उस रूम में पहुंचते हैं, उस जहाँ पे फोन बज रहा था वहां पे, तो वहां पे श्रुति थी ही नहीं। वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, इतने डरते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि वो लोग नीचे से पूरा ढूंढ के जा चुके थे, श्रुति कहीं पर भी नहीं थी, आखिरी रूम बचा था जहां पे उसका फोन पड़ा हुआ है, लेकिन श्रुति वहां पे नहीं है। वो लोग फोन उठाते हैं और भागते हुए नीचे आते हैं, सोचते हैं कि हमको यहाँ से भाग के जाना चाहिए और किसी ना किसी को घर वालों को बुला के लाना चाहिए, आखिर श्रुति गई तो गई कहाँ। वो लोग वहां से सीढ़ी से उतरते हुए भागते उतरते हैं, और जब नीचे आते हैं ना स्विमिंग पूल के पास, उसी रास्ते से उनको बाहर निकलने का रास्ता था, जब स्विमिंग पूल के पास आते तो क्या देखते हैं कि श्रुति वहीं पे बेहोश पड़ी है स्विमिंग पूल के बाहर। उनको समझ में नहीं आता है कि श्रुति का फोन ऊपर है तो श्रुति यहाँ क्या कर रही है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, अब तो हक्के बक्के रह जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है हमारे साथ, कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जिसका संकेत हमको यहाँ पे श्रुति के द्वारा मिल चुका है, अभी हमारे साथ खड़ी थी उसके बाद गायब हो गई, उसका फोन ऊपर वाले फ्लोर पे यहाँ पे बेहोश पड़ी हुई, चल क्या रहा है भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे। उनको कुछ समझ में नहीं आता है, वो लोग सोचते हैं श्रुति को उठाने की कोशिश करते हैं, पानी वाली छिड़कते स्विमिंग पूल का, कुछ नहीं होश में आती है, कुछ होश में नहीं आती है। वो लोग सोचते हैं हम श्रुति को लेके बाहर भागेंगे, वो लोग उसको उठाते हैं और बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग उस पैलेस से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। पता नहीं क्या छलावा हो गया उनके साथ, जिसकी वजह से वो लोग उस पैलेस से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। वो लोग कभी दूसरे रास्ते से जा रहे तो भी बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा है, उधर से जा रहे तो भी बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा है, इधर से जा रहे तो भी बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहा है, अभी हम जिधर से आए थे उधर से बाहर निकलने का रास्ता क्यों नहीं मिल रहा है, आखिर कौन सी एनर्जी है जो हमको रोकना चाहती है, हमको यहाँ से बाहर नहीं निकलने देना चाहती है। उनको कुछ समझ में नहीं आता, बहुत डर जाते हैं, रोने लगते हैं, अब थे तो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे ही, डर जाते हैं, बहुत रोने लगते हैं, उनको लगता है कि शायद अब हम नहीं बचने वाले, उनको ऐसा लगने लगता है। तभी अंकुर बोलता है, भाई देखो डरने की बात नहीं है, अपन जितना डरेंगे जो भी नेगेटिव एनर्जी है अपने ऊपर उतनी ज्यादा हावी होगी, एक काम करते हैं अपन महामृत्युंजय का जाप करना स्टार्ट कर देते हैं। जो ये अंकुर था भगवान शिव का बहुत बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा भक्त, भगवान शिव को दिल और जान से चाहता था, इतना बड़ा भक्त था। वो बोलता है महामृत्युंजय का जाप सब लोग, मैं कर रहा हूँ, मेरे पीछे तुम लोग भी करो, और सब लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग कुछ भी करके इस पैलेस से बाहर निकलना ही है। ये सब कुछ करते करते, ताम झाम करते करते, शाम के 5 बज गए थे उस पैलेस में, और अब 5 बजे थे तो उनका डरना और ज्यादा हो गया था। डरना लाजमी है, क्योंकि जो शाम का टाइम होता है 6-7 बजे जो दिया जलाने का टाइम, वो टाइम और ज्यादा खतरनाक होता है शैतानी शक्तियों के लिए, शैतानी रोग के लिए। तो वो लोग सोचते हैं कि अभी तो निकलना पड़ेगा हमको। तो अंकुर बोलता है महामृत्युंजय जाप पढ़ने लगता है, बोलने लगता है, बोलने लगता है, वो लोग भी साथ में बोलते रहते बोलते, तभी उनको बाहर निकलने का रास्ता दिख जाता है। वो लोग कैसे कैसे करके श्रुति को पकड़ते हैं और उसको लेके वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं। भागते भागते वो लोग अपने बाइक के पास पहुंचते हैं, जहां पे बाहर उन लोगों ने अपनी बाइक लगा के रखे थे। वो लोग बाइक के पास पहुंचते हैं, अपने जो बैग में बॉटल रखे थे वहां से पानी निकालते हैं, श्रुति के फेस पे छिड़कते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, उसके बाद जाके वो होश में आती है। वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ था,
तू बेहोश कैसे हो गई थी? हमारे साथ थी और तू गायब कैसे हुई? आखिर हुआ तो हुआ क्या तेरे साथ? तो श्रुति जो बताती है ना, आप सुनोगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। बताती है कि मैं यहीं पे खड़ी थी तुम लोगों के साथ, अपन स्विमिंग पूल के पास देख रहे थे कौन गिरा है, किसकी आवाज आई थी, तभी मुझे ऊपर वाले फ्लोर के पास से एक लड़की की आवाज आती है। एक लड़की मुझे दिखाई देती है और वो मुझे इशारा करके बुलाने लगती है, और पता नहीं क्यों मैं उसके पास अपने आप खींची चली जाती हूँ और मैं ऊपर जाती हूँ फ्लोर पे। उसके बाद वो लड़की मुझे दिखाई नहीं देती है, पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं याद कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं कैसे बेहोश हुई, कुछ भी नहीं याद। ये जब तक श्रुति उनको बता रही थी, तभी उनका एक जो दोस्त था सिद्धांत, वो इनको इशारा करता है और ऐसे उंगली दिखाता है। जो पैलेस था ना उसके टेरेस पे, वहां पे उंगली दिखाता है और बोलता है, भाई ये लोग जब उधर देखते हैं ना शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उस पैलेस के टेरेस पे एक लड़की खड़ी थी ब्लैक कपड़े में, उसकी पूरी बॉडी जली हुई थी, उसकी जो स्किन थी वो पूरी लटक रही थी, पिघल पिघल गिर रही थी, उसका फेस कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, बस ऐसा लग रहा था जला भुना कपड़ा पहनी है ब्लैक कलर का और उसकी पूरी बॉडी भी जली भुनी है। वो लोग जब उसको देखते हैं ना, सब लोग अपने दिमागी संतुलन जो होता है ना वो खो देते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये कौन है। अब हम यहाँ से निकल भी पाएंगे नहीं निकल पाएंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। वो लोग ये सोच ही रहे थे, वो लोग बाइक स्टार्ट करने जाते ही कि हमको यहाँ से भागना पड़ेगा, क्या पाते हैं वो लोग? जब वो लोग उस लड़की को देख रहे थे ना, जो उनके बाइक में जो तेल रहता है ना, जो ऑयल, वो पूरा लीक होके बाहर निकलने लगा है, पूरा बाहर गिरने लगा है, चारों के चारों बाइक का पूरा फ्यूल नीचे गिर जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि उस लड़की को हम देख रहे हैं उतने टाइम में पूरा बाहर कैसे गिर गया पूरा तेल, हम जाएंगे तो जाएंगे कैसे बाइक से, कुछ समझ में नहीं आता है। वो लोग सोचते हैं कि हम क्या करें, तभी अचानक से उस लड़की के चिल्लाने की आवाज आने लगती है बहुत जोर जोर से, जैसे कि वो बहुत ही कराह में चिल्ला रही है, बहुत ही गंदी चीख है, जैसे बहुत दर्द में है वैसा चिल्ला रही है, वैसी आवाज आने लगती है। इनका जो कान था ऐसा लगता है कान का उनका पूरा फट जाएगा, उनका कान ऐसे इनके कान में दर्द होने लगता है, पूरा कान ऐसा करके दबाते हैं, उस लड़की की चीख और बढ़ती जाती है, लोग कान दबाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए, बाइक गई भाड़ में, सब कुछ गया भाड़ में, हमको यहां से कैसे भी भागना पड़ेगा। ये लोग वहां से पैदल भागना स्टार्ट कर देते हैं, वहां से पैदल भागते रहते भागते रहते भागते रहते हैं, भागते भागते इनको एक कार दिखाई देती है। वो कार को रुकाते हैं, उससे लिफ्ट मांगते हैं, बोलते भाई प्लीज 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 अंकल, आप हमको कैसे हमारे घर छोड़ दो, हम लोग बहुत बड़े मुसीबत में, बहुत हम पागल हो जाएंगे, हमको वो नहीं छोड़ेगी। तो जो आदमी था वो बहुत भला आदमी था, वो इन लोगों को अपने कार में बैठाता है और इनको अपने घर पे छोड़ देता है। ये लोग अपने घर पे पहुंचते हैं, इनकी हालत बहुत खराब थी, ऑब्वियसली घर वालों को पता चल ही जाता है। ये लोग अपने घर वालों को बताते हैं तो घर वाले बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, वो लोग बोलते तुम लोगों की हिम्मत कैसे उस पैलेस में जाने की, तुम लोगों को बचपन से पता है कि वो पैलेस भूतिया है, वहां पे कुछ ना कुछ घटनाएं घटती है, तुम लोग गए क्यों वहां पे? घर वाले जो गाड़ी उठाने वाले लोग होते हैं ना, उनको कॉल करते हैं और उनको बोल के उनकी गाड़ी वापस बुलवा लेते हैं दूसरे दिन। उसके बाद इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इतनी हालत खराब थी कि ये लोग एक दो दिन कॉलेज नहीं जाते हैं, लोग डिसाइड करते हैं एक दो दिन अपन घर पे ही रहेंगे। इनको बुरे बुरे सपने आने लगे थे, तबीयत खराब हो गई थी इनकी, क्योंकि जो उनका पिछला दिन था जिस दिन वो गए थे संडे के दिन उस पैलेस में, वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। उसके बाद दो दिन के बाद जब ये लोग कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के एक वॉचमैन से ये सारी बात डिस्कस करते हैं, तो वॉचमैन जो बताता है ना वो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। वो बताता है कि हाँ, आप लोग भले ही विश्वास नहीं कर रहे थे, आप लोग उस पैलेस में चले गए थे, वो पैलेस बहुत ही ज्यादा भूतिया है। वो पैलेस एक्चुअली एक एनआरआई था जो इंडिया से बाहर रहता था, यहाँ पे आया था, उसने यहाँ पे बहुत ही बड़ा पैलेस बनवाया था और उसका पैलेस बहुत मस्त चल भी रहा था, सब कुछ अच्छा खासा था, बहुत सुंदर बनवाया था उसने। लेकिन कुछ साल पहले, जब से ये पैलेस बंद है उतने साल पहले, वहां पे एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया कुछ लोगों ने और वहीं पे मार के उसको जला डाला।
जिसके बाद से उस लड़की की रूह वहां पे घूमती है और सबको हॉन्ट करती है। जब वो लड़की मरी थी ना, उसके बाद से वो पैलेस का जो मालिक था वो पूरी तरह से लॉस में जाने लगा। उसका जो पैलेस था पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वो सबको छोड़ छाड़ के यहाँ से इंडिया से बाहर चला गया, इंडिया से बाहर जाकर शिफ्ट हो गया। उसके बाद जब ये पैलेस गवर्नमेंट के हाथ में आया तो ऐसे ही सुनसान बंजर पड़ा हुआ है और वहां पे कोई दिन में जाने तक की हिम्मत नहीं करता। रात तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि उस लड़की की आत्मा जिस किसी के पीछे पड़ती है उसको जिंदा नहीं छोड़ती है। पता नहीं कैसे आप लोग जिंदा बच के आ गए। ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है जो आप जिंदा बच के आ गए, वरना कोई भी वहां से जिंदा बच के नहीं आता है। शायद हो सकता है महादेव का जो महामृत्युंजय जाप कर रहा था अंकुर, उसके दोस्त लोग, उसकी वजह से वो लोग जिंदा बच के आए थे। नहीं तो अगर सच में इतना हॉन्टेड है, ऐसी जगह है, तो शायद ही किसी का बचना मुमकिन है वहां पे। आप लोग बताना कि आप लोगों को ये सच्ची घटना कैसी लगी, और इस वीडियो को अभी तक देख ले, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल को दबाकर ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। चलिए कल वापस से मिलते हैं एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक से भूत एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।